ए हो उलटी नाही येणार पटकन, राईट मी बॅलन्स ना चला जे आराम से आराम से आराम से उठा. काय म्हणतात भर पावसात घाम निघणं, इधर तो पुरा ही वाटोळा आहे. वैसे ये स्पॉट तो पहले से है, ऑब्वियसली कुछ नया बना हुआ नहीं है, बट द थिंग इज पिछले दो हफ्तों में, या इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैक्स टू वीक्स, दो हफ्तों में आई हैव सीन एटलीस्ट 50 पीपल पोस्टिंग रील्स अबाउट दिस प्लेस, और हर किसी के कैप्शन में लिखा है हिडन प्लेस इन सह्याद्री. आई मीन आई वॉज लाइक, अगर हिडन है तो 50 लोगों को कैसे मिल गया 15 दिन में, सारे एक साथ गए थे ढूंढने के लिए. सो या इट्स नॉट सो हिडन, क्योंकि मुझे पता है वो कहाँ पे है, सो इट्स नॉट हिडन. और मैं आज आपको भी दिखा दूंगा कि कहाँ पे है. आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन कि ये किसी को नहीं दिखना चाहिए, बट यस अगर जाते हो तो कचरा मत करो, रिस्पॉन्सिबल रहो, उतना तो होना चाहिए. एंड दैट्स कॉमन सेंस आई थिंक. No one should tell you that. No one should have to tell you that. तो पिछले 15 दिनों में 50 लोगों की रील्स पे दिखा हुआ हिडन अनसीन अनएक्सप्लोर्ड स्पॉट आज के वीडियो में आपको देखने मिलेगा. ऑल राइट, तो करजत खोपोली रोड पे ये है केलौली रेलवे स्टेशन. सो बाय रोड अगर आते हैं तो केलौली रेलवे स्टेशन वाला लेफ्ट टर्न लेना है. अगर बाय ट्रेन आते हो तो खोपोली ट्रेन पकड़ो, केलौली में उतरो, और यहाँ उतरने के बाद रिक्शा ढूंढो. तो रिक्शा से आप बीड विलेज तक जा सकते हैं. और ये शिवम सिंह नए नवेले 360 में पहली बार शूटिंग करते हुए. ओ भाई मैनुअल है ये तो, ये घूमा ये खुला. चलो हो उल्टी नाही येणार पटकन. अराउंड 3 किलोमीटर्स इनसाइड फ्रॉम दैट रेलवे स्टेशन, जहाँ से हाईवे से टर्न लिया, दिस इज बीड विलेज. यहाँ से अपना ऑफ रोडिंग वाला ट्रेल चालू होता है. अभी इधर तक अगर वीडियो देखा है तो अब छोड़ के मत जाओ, क्योंकि अभी तो असली मजा शुरू हो रहा है. अभी ये पूरा ऐसे कच्चे रास्ते का घाट लगेगा जो अपने को रेलवे लाइन तक लेके जाएगा. ओ भाई आधा रास्ता तो गया नीचे. अभी जाएगी क्या आगे, ये तो इम्पॉसिबल सा लग रहा है. यही तो ना ट्रेक करा लगता है क्या, पूरा जंग बह गया. ये सिंगल सीट भी चढ़ेगी क्या, मेरे को मुश्किल लग रहा है. चलो ठीक है देखते हैं, चढ़ी तो चढ़ी. लेट्स डू वन थिंग फर्स्ट, एबीएस ऑफ कर देता हूँ. ये बस एक प्लस पॉइंट है कि इसमें एबीएस ऑफ हो जाता है. देखते हैं जो होगा देखा जाएगा. वेट वेट वेट, नो इश्यूज. अबे निकल तो गई है, बस राइट में बैलेंस ना चला जाए. ओके डन इट. अभी जाके वो बाइक लेके आते हैं. सही है मेरे शेर, आराम से आराम से आराम से. रेस मत कर, रेस मत कर ज्यादा, उठा बस सर. ओवरफ्लो घुमाने घूमने मत देना, सीधा आराम से चढ़ा. नहीं 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 ऊपर उठा लेना फिर से.
निकाली चल, अभी घाम काढला ही नहीं, एवढा म्हणतात भर पावसात घाम निघणं. इधर तो पूरा ही वाटोळा आहे. पिछले साल ये काफी आसान था कंपेयर टू दिस. इतने पानी के ट्रेंचेस नहीं बने थे पिछले साल. ओ तेरी, अबे यार कॉल किसका आ रहा है? सो वी हैव डिसाइडेड कि ये एक पैच करके देन वी विल टेक अ कॉल. आगे जाना है नहीं जाना है, क्योंकि इस पैच के बाद थोड़ा तो सीधा सीधा रास्ता दिख रहा है. इट इज वे वर्स देन वॉट वी डिड लास्ट ईयर. लास्ट ईयर तो काफ़ी आसान था ये इससे. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे लास्ट ईयर भी डिफिकल्ट लगा था, क्योंकि आई एम नॉट दैट मच ऑफ एन ऑफ रोडर. इसको पुश की तो ज़रूरत नहीं पड़ रही है, अपनी गाड़ी निकल तो रही है आराम से, बस इसकी ताकत के भरोसे. अगर बीच में बंद भी हो गई, मोशन कट भी हो गई, तो फिर से निकल जा रही है. दैट्स द ओनली प्लस. अब ये थोड़ा सही लग रहा है थोड़ा बहुत. वैसे ही बनाया हुआ रास्ता है, इफ यू सी इट इज़ पेव्ड विथ रॉक्स. लेकिन ये मेरे ख्याल से पिछले दो हफ्तों में जो बारिश हुई है ना धुआंधार, उसमें बह गया है पूरा. अभी तो हमने ये भी सोचा नहीं है कि वापस नीचे भी उतरना है इसमें से. थोड़ा सा श्वास घेला वेळ मिळाला. ऑलमोस्ट द लास्ट 300-400 meters तरी असंच रोड आहे. हां ओ भाई, वैसे ऑलमोस्ट रेलवे लाइन के लेवल पे आ ही चुके हैं. इफ़ यू सी देयर, मालगाड़ी जा रही है वहाँ से.